भाइयों नमस्कार स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में मैं हूं विभिन यादव हर दिन के भाती आज, भी आज भी आपके बीच में हाजिर हो चुके हैं खेत खलिण की बहुत सारी जानकारियों को लेकर ऐसी जानकारियां जो कि आपकी खेती में आपको और भी ज्यादा सहायक रूप बनकर सामने आए किसान भाइयों हर दिन नए नए विषयों पर बात करते हैं तो आज भी एक ऐसे ही विषय पर हम बात करने वाले हैं आज का विषय है कृषि वानिकी और जलवायु परिवर्तन जी हाँ इसमें हम बात करने वाले हैं फसलों के बारे में हम बहुत सारी बातें करते हैं नई नई फसलों को कैसे लगाते हैं इसके बारे में बात करते हैं तो जो कृषि वानिकी है इस पर भी अभी वर्तमान में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जलवायु परिवर्तन से तो आप समझ चुके हैं किस तरीके से हम अभी जूझ रहे हैं तो ऐसे में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें अभी ध्यान देना है इस पर हम आज चर्चा करेंगे और चर्चा पर हमारे साथ आज मौजूद हैं पारुल शर्गा जी जो कि पी एच डी शोध है उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर मध्य प्रदेश से मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्कार किसान भाइयों मैम जैसे जो हमारा विषय है कृषि वानिकी और जलवायु परिवर्तन तो पहले तो मैं कृषि वानिकी का जाना चाहूंगा क्या है ये ये क्यों हमें करना चाहिए अभी जी कृषि वानिकी का मतलब ये है कि एक ही भूमि पर हम विभिन्न उत्पाद ले सकें उसी भूमि पर सीमित भूमि पर हमें कृषि फसल लगाना है अनेक प्रकार की वृक्ष प्रजातियां लगाना है और उससे हमें बहु उद्देश्य वृक्ष लगाना है और अधिक से अधिक मुनाफा पाना है तो ये कृषि वानिकी होना है मतलब हमें एक तो बहुउद्देश्य फसल जो हमारा रहता है कि आप एक ही जमीन पे अलग अलग तरह की फसलें लगा सकते हैं और उससे मुनाफा उतना ज़्यादा मिलेगा मैम वर्तमान में हमारे किसान भाई अभी ऐसा कर रहे हैं जैसे वानिकी और धानिकी दो शब्द हैं तो धानिकी में और वानिकी में अंतर क्या होता है जी वानिकी का मतलब यह है कि वृक्ष प्रजातियां जिसमें कि जलाऊ लकड़ी हुई या इमारती लकड़ी हुई उनके लिए हम वृक्ष प्रजातियों का चयन करते हैं वहीं दूसरी और उद्यानिकी का मतलब ये है कि हम ऐसे वृक्षों का चयन करते हैं जिनका मेन उद्देश्य है उद्देश्य है फलों का उत्पादन होना फलों से ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना जी तो जैसे अगर वानिकी की बात करें तो जलाऊ या इमारती लकड़ी जो होती है उनका हमें किस तरीके से उत्पादन करना है ये हमारा जो है वानिकी का मतलब होता है वानकी मैम जैसे हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं वानिकी करना चाहते हैं या फिर उनके मन में आता है कि हमें ऐसी कार्य करना चाहिए तो एक सवाल रहता है कि ये जो कार्य है बहुत लंबा है ये प्रोसेस जो है बहुत लंबी है तो ऐसे में हमारे किसान भाई क्या कहना चाहेंगे आप जी मैं ये कहना चाहूँगी कि दिन प्रतिदिन जैसे कि हम सब जानते हैं जनसंख्या बढ़ रही है और हमारे पास भूमि भी उतनी ही सीमित है वनों पर दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा प्रभाव बढ़ रहा है उन पर बहुत ज़्यादा लोड है तो इसके लिए हमें क्या करना है इस समस्याओं का निवारण क्या है वह है कृषि वानिकी हमारा देश भारत में नेशनल एग्रोफोरेस्ट दो में लागू हुई है जो कि एकमात्र देश बन चुका है जिसमें वानिकी कृषि वाने की और निजी वाने की भी बहुत जोर दिया गया है तो इसमें हमें क्या करना है अगर हमारे किसान भाइयों के पास फसल है और वो कृषि फसल लगा रहे हैं तो वो अपने मेड़ों पर बहु उद्देश्य वृक्ष लगा सकते हैं जैसे कि बांस लगा सकते हैं यूकिलिप्टिस लगा सकते हैं करंज लगा सकते हैं और इत्यादि इससे क्या होगा कि जो पोषक तत्व हम बाहरी रूप से डाल रहे हैं जमीन पर यूरिया के फॉर्म में डी के फॉर्म में वो हमको उतना देने की जरूरत नहीं है जो पेड़ की पत्तियां हैं उससे हम जरूरत तत्व मिट्टी को दे सकते हैं मृदा अपर्दन में भी और मृदा संरक्षण में भी जैव विविधता के संरक्षण में भी कृषि का वानिकी का अमूल योगदान है बिल्कुल तो मतलब जैसे कह सकते हैं कि एक चीज़ से हम बहुत ज्यादा फायदे उठा सकते हैं एक तो खाद जो हम डाल

हर जगह बात हो रही है जलवायु परिवर्तन किस तरीके से हो रहा है तो तो दो सवाल उठते हैं पर कि एक तो कृषि से जलवायु परिवर्तन कैसे हो रहा है जैसा कि हम जानते हैं आज किसान का मेन उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक लाभ पा सके उनका ये भी है कि हम कम लागत लगाएं हमको मुनाफा अधिक हो तो उसके लिए वो रासायनिक उत्पाद डाल रहे हैं रासायनिक उर्वरक डाल रहे हैं जिससे कि मिट्टी की और जमीन की जो उत्पादन क्षमता है वो कम होती जा रही है उससे प्रदूषण हो रहा है साथ ही साथ नदियों का भी प्रदूषण हो रहा है तो कृषि भी एक तरीके से जलवायु परिवर्तन का कारण है वहीं दूसरे परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें कि जलवायु परिवर्तन का फसलों पर वृक्ष प्रजातियों पर क्या प्रभाव है जलवायु परिवर्तन के वजह से वायुमंडल में बहुत सारा उत्सर्जन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में जिसके तहत तापमान बढ़ रहा है और वृक्ष प्रजातियां लुप्त होती जा रही है तो इस वजह से बढ़ते बढ़ते जलवायु परिवर्तन के ही वजह से वृक्ष प्रजातियों पर भी गहरा असर हुआ है बिल्कुल तो ये ध्यान देने वाली बात है एक और महत्वपूर्ण विषय है अभी वर्तमान में प्रश्न उठता है कि जैसे वानिकी का हम कृषि वानिकी का हम जिक्र कर रहे हैं तो कृषि वानिकी से मुख्य रूप से क्या जलवायु परिवर्तन को हम रोक सकते हैं जी बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है ये कृषि वानिकी का जलवायु परिवर्तन में बहुत बहुत ही बहुत अमूल्य योगदान है आ, पारिस्थितिक तंत्र अनुकूलन में आजकल बात करी जा रही है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की कार्बन पृथक्करण की तो कैसे कृषि वानिकी करती है कहा जाता है और वैज्ञानिक तौर पे ये प्रूफ भी हुआ है कि जो वृक्ष की प्रजातियों की लकड़ियाँ रहती है उसमें 50 परसेंट कार्बन को सोखने की क्षमता रहती है वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को पे, पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के जरिए सोखते हैं हाँ। और इसी को कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बोलते हैं तो यही एक जलवायु परिवर्तन में बहुत अच्छा कृषि वाणी की रोल अदा कर रही है बिल्कुल तो अगर हमें जलवायु परिवर्तन से बचना है तो मुख्य रूप से ये भी है कि पेड़ लगाएं अब पेड़, लगा। पेड़ सबको लगाना चाहिए और किसान भाइयों से अपील है क्योंकि उनके पास खुद की जमीन होती है और ऐसी जमीन होती है जहाँ पर वो इन पेड़ों को लगा सकते हैं अब इन पेड़ों को लगा सकते हैं ये सवाल उठता है मैम किन पेड़ों को लगा सकते हैं मतलब कौन कौन से ऐसे पेड़ हैं जिनको हमारे किसान भाई लगाना शुरुआत करें जी मैं बताना चाहूँगी कि हम कृषि वानिकी का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमें बहु उद्देश्य वृक्षों को किसान किसानों के खेत पर लाना है अर्थात हमें वनों को किसानों के खेत तक लाना है जो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट है वो हमें बहुत ही ज़्यादा प्रचार प्रसार करना है तो इसके लिए बहुत सारे वृक्ष है अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में वो पंजाब के क्षेत्र में हरियाणा के क्षेत्र में तो वहाँ पॉपुलर हुआ यूकिलिप्टिस हुआ ये बहुत ज़्यादा है अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ खमेर जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में मलाइना अरबोरिया बोलते हैं वो ज़्यादा वो है प्रसिद्ध हो रहा है सागौन है महुआ है करंज है बांस है इत्यादि को हम किसानों की भूमि पर लगाने की सलाह देते हैं बिल्कुल मैम सागौन की बात हुई महुआ की बात हुई महुआ एक काफी प्रचलित शब्द है और बहुत सारे किसान भाई इससे भली भांति परिचित हैं महुआ या मतलब जैसे आपने कहा कि इन पेड़ों को लगा सकते हैं मुख्य बात ये है कि इन पेड़ों को क्यों लगाया जाए इससे उन्हें अर्निंग क्या होगी क्या सिर्फ़ जलाऊ लकड़ी या इमारती लकड़ी ही इसका एक मात्र विकल्प है जलाऊ लकड़ी और इमारती लकड़ियों के अलावा भी इसका बहुत महत्व है जैसे कि बात करें महुआ की आजकल वैल्यू एडिशन पर भी बहुत जोर दिया गया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने भी इसी बात पर फोकस किया है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है कैसे बनना है तो उसके लिए हमें वैल्यू एडिशन का कॉन्सेप्ट अपनाना ही पड़ेगा महुआ के लिए सिर्फ उसके ड्रिंक्स के लिए नहीं उसमें वैल्यू एडिशन उसका मूल्य संवर्धन करके महुआ से कुकीज़ बन रही है महुआ से उसके साबुन बन रहा है और बहुत सारे लाख प्रोडक्शन के लाख उत्पादन की भी अगर हम बात करें तो बहुत सारे वृक्ष प्रजाति जैसे कि ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जिसे हम पलाश कहते हैं उससे लाख का उत्पादन हो रहा है तो सिर्फ एक ही हमको प्रोडक्ट पे फोकस नहीं हो रहा है यूकिलिप्टस हुआ आज हमारे मध्य प्रदेश में एकमात्र पेपर इंडस्ट्री है जो कि अमलाई शहडोल में है उसमें भी कागज के उत्पादन के लिए यूकिलिप्टिस सुबह बुलबास इन तीनों प्रजातियों का यूज हो रहा है तो इसी के अंतर्गत कृषि वानिकी का भी बहुत अमूल्य योगदान है बिल्कुल तो ये जैसे बताया कि आप एक ही चीज पे आप नहीं रुकेंगे क्योंकि आपको इससे ये जो वृक्ष हैं इनसे आपको बहुत ज्यादा आपको लाभ जो है वो मिलेगा एक और सवाल है हमारे किसान भाइयों का वो ये रहता है मन में के चलिए हमने पेड़ लगा लिए तो क्या हमारी जो परंपरागत पद्धति जो है मान लीजिए अगर हमें परंपरागत में बात करें कुछ चुनिंदा फसलें हैं जैसे गेहूं होगा चना हुआ या फिर और भी अलग अलग फसलें हैं अगर हमने पेड़ लगा दिए तो क्या हमारी फसल प्रभावित होगी या उतना एरिया जो रहता है वहां पर हमें फसल नहीं होगी तो इस क्या कहना चाहेंगे आप देखिए हर चीज का अपना पॉजिटिव uh, चीजें भी, हो, भी होती है और नकारात्मक चीजें भी होती हैं हम एक और बात करें जब हम वृक्ष प्रजातियों को और फसल की प्रजातियों को एक साथ ला रहे हैं तो हमें जरूरी बातें ध्यान रखने की यह है कि वहाँ का स्थानीय जलवायु कैसा है वहाँ का मौसम कैसा है उचित वृक्ष प्रजाति का चयन और फसल प्रजाति का चयन एक मुख्य बिंदु है दूसरी ओर उनके बीच में जो प्रतिस्पर्धा हो रही है उन्हें कम से कम करना है जो पेड़ के जड़ें वो गहरी जाए ना कि इतना फैले कि वो फसलों को नुकसान पहुंचाए। आजकल बात की जाती है जैसे कि यूकिलिप्टिस हुआ सूबा बुल हुआ उनके अंदर ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं तो हमें ऐसी ही प्रजातियों का ध्यान रखना है जो कम से कम नुकसान पहुंचा सके और किसानों की आय दोगुना कर सके तो किसानों की आय दोगुना करने के लिए आर्थिक परिप्रेक्ष्य में बात करें तो किसानों को सेहत में भी सुधार हो रहा है उनको बहुत सारे उत्पाद मिल रहे हैं जिससे उनकी आय दोगुनी हो रही है बिल्कुल सेहत का जहाँ हम जिक्र करते हैं वहाँ पर हमें समझ में ये आता है कि हमारा जो परिवर्तन है वो भी जलवायु उससे कहीं ना कहीं हमारी सेहत को भी जो प्रभाव है वो पड़ रहा है ऐसे में ये जो चीज़ें आपने बताई मैम एक सवाल खड़ा होता है वो ये होता है कि जानकारी यानी कि आपको उसकी ट्रेनिंग लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो मुख्य रूप से ऐसे कौन से संस्थान हैं जो इस क्षेत्र में ट्रेनिंग दे रहे हैं या फिर जानकारियां दे रहे हैं हमारे किसान भाई लगाना चाहते हैं लेकिन वो ये चाहते हैं कि हम जब तैयारियां करें शुरू करें तो पूरी मतलब तो परिपूर्ण होकर करें ऐसा ना हो कि अधूरी जानकारी से हम काम शुरू कर दें तो वो जानकारियाँ कहाँ से मिलेंगी हमें अगर हम बात करें सबसे पहले वृक्ष प्रजातियों की कि कहाँ से उनके रॉ मटेरियल्स तैयार हो रहे हैं या कौन कौन सी सरकार की नीतियाँ हैं मध्य प्रदेश में बाई बैक स्कीम बहुत ज़्यादा चल रही है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय वन नीति में भी यही कहा गया था कि जो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री है उनको अपने जो उत्पाद है जो उनका रिक्वायरमेंट्स है वो खुद से पूरा करना है तो वो वो कैसे करेंगे वो रॉ मटेरियल्स खुद तैयार करते हैं किसानों को देते हैं किसान अपने भूमि पर लगाकर, बंजर भूमि पर लगाकर उन्हीं पेड़ों को वापस इंडस्ट्री को बेच देता है वहीं हम बात करें कि अब इन सब चीजों को कैसे हमको समाधान पाना है तो इस सब चीजों के लिए हमें ये करना है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं ऑर्गेनाइजेशंस हैं कृषि विज्ञान केंद्र है जहाँ से आपको तकनीकी शिक्षण मिल सकता है अगर हमें रॉ मटेरियल्स रिक्वायरमेंट है पौधों की प्रजातियों के लिए है तो मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष में बात करें तो उष्ण कटिबंधी वन अनुसंधान संस्थान है जहाँ विभिन्न प्रकार के वृक्ष प्रजातियों का उत्पादन हो रहा है हम वहाँ से जा सकते हैं वहाँ से ले सकते हैं वहाँ से वैज्ञानिक गण से प्रशिक्षण ले सकते हैं कि पेड़ों को किस टाइम लगाना है कैसे रोपण करना है पेड़ों से पेड़ों की दूरी कितनी होनी है इसका भी कृषि विज्ञान केंद्र के अलावा वन विज्ञान केंद्र भी है और एग्रीकल्चर कॉलेज जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर भी है वहाँ से भी हमको रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट और प्रशिक्षण समय समय पर मिलता रहता मिलता है रहेगा चलिए तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां किसान भाइयों हम बात कर रहे हैं इस विषय के बारे में फिलहाल रुकते हैं ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद फिर मुलाकात होगी अरे सुन तो मुझे क्या सुनाना चाहते हो जो मेरी स्वातन को किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हम्म अच्छा ये बात है हाँ क्यों क्या हुआ अब बात नहीं होती क्या अब तो झट से बात हो जाती है संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए छह उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है एफ के गोरखपुर सिंदरी तलचर और रामागुंडम संयंत्र एच की बरौनी इकाई और बीवी की नामरू फोर्थ सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा अनाज का उत्पादन 10 फीसदी तक बढ़ेगा बढ़ेगी 10 से 15 फीसदी नाइट्रोजन क्षमता ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका किसान भाइयों ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे हमारे आज के विषय के बारे में कृषि वानिकी और जलवायु परिवर्तन के बारे में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है और संभावनाएं कितनी है इसके बारे में हमने जाना था मैम जलवायु परिवर्तन की हमने बात की थी जलवायु परिवर्तन कैसे हमारे जो है होता जा रहा है और कृषि से किस तरीके से हम इसको रोक सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं एक और विषय यहाँ पर यह है कि कृषि वानिकी जो है उसका मानव जीवन में क्या योगदान रहता है सबसे पहले अगर हम आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें हमने पहले भी ये चर्चा की थी कैसे किसानों की आय दोगुना हो रही है किसान परंपरागत खेती कर कर उस फसल से छः महीने में चार महीने में तैयार होती है और मुनाफा पाता है पर जैसे कि दिन प्रतिदिन भूमि सीमित ही है और हमें उसी भूमि से मल्टीपल आउटपुट्स लेना है तो क्या करना चाहिए कृषि वाणी की के जरिए उर्वरक जो हम रासायनिक खाद डाल रहे हैं उससे भी हमको निजात मिलती है पेड़ों की पत्तियाँ उन सब चीज़ों में मदद करती है जैव विविधता संरक्षण भी एक तरीके से हो

जैसे कि हम जानते हैं कि आदिकाल से औषधि वनस्पतियों का उपयोग होता रहा है औषधि वनस्पतियों में आता है हमारा गिलोय सतावर एलोवेरा इत्यादि तो वो तो होता ही रहा है पर मेन समस्या इसमें क्या आती है मार्केट की समस्या उनको उस अच्छा प्राइस मिल रहा है कि नहीं किसानों को उस टाइम पे मिल रहा है कि नहीं मार्केट कहाँ है इन सब समस्याओं का निवारण कृषि वानिकी के जरिए ही होता है हमारी बहुत सारी पद्धतियाँ हैं कृषि वानिकी के अंतर्गत जैसे एग्री सिल्विकल्चर सिल्वी हॉर्टिकल्चर एग्री सिल्वी पास्टोरॉल जिसके अंदर हम वृक्ष प्रजातियों के साथ इन वनस्पतियों को औषधि वनस्पतियों को भी यूज़ करते हैं जैसे कि उदाहरण के लिए यूकिलिप्टिस प्लस लेमन ग्राम जी दूसरा उदाहरण हम मध्य प्रदेश में देख सकते हैं खमीर के साथ हम पान लगा सकते हैं सतावर लगा सकते हैं अदरक लगा सकते हैं हल्दी लगा सकते हैं तो ये जो चयन है मिश्रित करना एक ही भूमि पर ये इसका चयन बहुत ज्यादा जरूरी है और सही चयन बहुत ज्यादा जरूरी है सही चयन बहुत ज्यादा जरूरी है मैम हमने केसीसी सुना है सीसी सी... एक नया शब्द है तो जो किसान भाई कर रहे हैं जैसे कि वानिकी में अगर किसान भाई कर रहे हैं कार्य कर रहे हैं तो सीसी क्या होता है सीसी शब्द से क्या आशा है और सीसी का हकदार कौन है जी सीसी का तात्पर्य यह है कार्बन क्रेडिट जी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें हमको पता है कि वायुमंडल में मौजूद जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है पेड़ अपने जैव द्रव्यमान को प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है तो उसमें क्या होता है जो पेड़ों का लंबाई होता है जो उसके ग्रोथ पैरामीटर्स चौड़ाई होता है उसको हम लेते हैं वॉल्यूम का कैलकुलेशन होता है और उस बेसिस पर पर्टिकुलर एक जो वृक्ष प्रजाति है वायुमंडल से कितना कार्बन डाइऑक्साइड सोख रही है और उसके एवेज में आ, किसानों को एक किसा, आ, कार्बन क्रेडिट के तौर पर एक मूल्यधान दिया जाता है जो कि सरकारी संस्थाओं द्वारा दिया जाता है हर एक क्षेत्र में पर्यावरण विभाग है और उनके मुखिया से कंसल्ट करके किसान भाई इसका लाभ पा सकते, है। सकते हैं पा सकते हैं मैम हम अगर कृषि वानिकी के उदाहरणों की बात करें तो मुख्य रूप से आप क्या उदाहरण देना चाहेंगी विभिन्न प्रकार की पद्धतियाँ प्रचलित हैं जैसे कि एग्री कल्चर, जिसमें फसलों के साथ साथ हम वृक्ष प्रजातियाँ ले रहे हैं मेड़ों पर ले रहे हैं ब्लॉक प्लांटेशंस हो रहा है जिन किसानों के पास बंजर भूमि है वो अपने बंजर भूमि पर ब्लॉक प्लांटेशंस कर सकते हैं पर उनकी दूरी बहुत ज़रूरी है पेड़ से पेड़ की दूरी ढंग से हो सिल्वी पास्टोरल सिस्टम हो जिसमें हम वृक्ष प्रजातियों के साथ साथ चारे की फसलें भी ले रहे हैं जिससे कि चारे का उत्पादन भी सही हो सके अच्छा हो सके एग्री सिल्वी हॉटी सिस्टम में तीनों का एक साथ है जिसमें कि वृक्ष प्रजातियां उद्यानिकी फसलें कृषि फसलें तीनों का एक साथ हो रहा है और अन्य अन्य पद्धतियों में आता है हमारा एपीकल्चर मधुमक्खी पालन सैरीकल्चर इत्यादि तो इस तरीके से जो है वो किसान भाई लाभ उठा सकते हैं कि विषय जो है बहुत महत्वपूर्ण है इंटरेस्टिंग ड है और समय बस थोड़ा सा कम रह जाता है तो किसान भाइयों उम्मीद है जो आज जानकारियाँ जो मिली होंगी वो आपको बहुत ज़्यादा सटीक मिली होंगी और काम की मिली होंगी मैम समय इतना ही है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी किसान भाइयों ये जानकारियाँ आपने प्राप्त की और आज हमने विषय जो था वो कृषि वाणी की और जलवायु परिवर्तन के बारे में बात की थी फिलहाल वक्त हो चुका है खबरें खेती की चलिए आइए जानते हैं नमस्कार किसान भाइयों बहुत स्वागत है आपका खबरें खेती में और आइए शुरुआत करेंगे प्रमुख समाचारों के साथ मांग से अधिक है उर्वरकों की उपलब्धता फसल विविधीकरण में उर्वरकों पर निर्भरता कम होगी आधुनिक तरीके से होगी कीटनाशकों की जांच गहरी जुताई से लाभ औषधीय पौधा सदाबहार और आइए सबसे पहले बात करेंगे देश में मांग से अधिक है उर्वरकों की उपलब्धता की केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर तथा केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने संयुक्त रूप से राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के कृषि मंत्रियों के साथ उर्वरकों की मौजूदा स्थिति के बारे में समीक्षा बैठक की प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ सत्र दो के लिए फास्फेटिक और पोटासिक उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों के लिए उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दी थी एनबीए खरीफ 2022 के लिए मंत्रिमंडल द्वारा साठ हज़ार नौ करोड़ रुपये की अनुमोदित सब्सिडी में माल धुलाई सब्सिडी के माध्यम से स्वदेशी उर्वरक के लिए समर्थन और डीएपी के स्वदेशी विनिर्माण तथा आयात के लिए अतिरिक्त सहायता शामिल है इस अवसर पर डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा कि यूरिया डीएपी और एनपीए तथा अन्य उर्वरकों की आपूर्ति में सरकार के सक्रिय प्रयासों के साथ हमारे पास इस खरीफ मौसम के लिए उर्वरकों की अपेक्षित मांग की तुलना में अधिक स्टॉक है केंद्रीय मंत्री ने बताया कि डाई अमोनियम फास्फेट और इसके कच्चे माल के अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि को मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा वहन किया गया है केंद्र सरकार ने सोलह सौ प्रति बैग की मौजूदा सब्सिडी के बजाय डीएपी पर दो हजार रुपये प्रति बैग की सब्सिडी प्रदान करने का फैसला किया है इस वर्ष की सब्सिडी में पिछले वर्ष की सब्सिडी की दरों में 50 प्रतिशत की वृद्धि है डीएपी और उसके कच्चे माल की कीमतों में लगभग 80 प्रतिशत की वृद्धि हुई है भारत में उर्वरकों की मौजूदा स्थिति पर चर्चा करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र एक बड़ी आबादी को रोजगार प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है हम कृषि क्षेत्र में सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कृषि उत्पादन में हम हमेशा अग्रणी रहे हैं और एक वैश्विक नेता हैं। फसल फसल विविधीकरण विविधीकरण से उर्वरकों पर निर्भरता कम होगी मध्य प्रदेश में फसल योजना लागू होने पर गैर एमएसपी फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा जिससे रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होगी और पर्यावरण संरक्षण जैव विविधता एवं टिकाऊ खेती संभव होगी यह फैसला मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया है बैठक में मध्य प्रदेश प्राकृतिक खेती कृषि विकास बोर्ड का गठन तथा आवारा पशुओं के नियंत्रण के लिए अध्यादेश लाने का निर्णय भी लिया गया है मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में गेहूं एवं धान के रकबे तथा उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि होने समर्थन मूल्य पर उपार्जन के खर्च में वृद्धि और इन फसलों के कारण प्रदेश में पर्यावरण असंतुलन की स्थिति के मद्देनजर मध्य मद्द प्रदेश फसल विविधीकरण हेतु प्रोत्साहन योजना लागू करने का फैसला लिया है योजना में गेहूं और धान के स्थान पर बोई जाने वाली गैर एमएसपी फसलों को कवर किया जाएगा इससे रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होगी मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य में प्राकृतिक कृषि के प्रसार को बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन एवं सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड गठन किए जाने का फैसला लिया गया है इसके साथ ही नगरीय निकायों में आवारा पशुओं के नियंत्रण के लिए मध्य प्रदेश नगर विधि अध्यादेश दो लाया जा रहा है अध्यादेश में किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर अथवा उपेक्षा पूर्वक किसी मवेशी अथवा अन्य पशु को सार्वजनिक सड़क अथवा स्थान पर खुला छोड़ा या बांधा जाता है तो एक हजार का जुर्माना लगाया जाएगा आधुनिक तरीके से होगी कीटनाशकों की जांच। मध्य प्रदेश की कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा कि भारतीय डाक विभाग और कृषि विभाग के मध्य हुआ एमओयू सुशासन की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है उन्होंने कहा कि इससे कीटनाशकों के नमूनों की जांच भारतीय डाक विभाग द्वारा आधुनिक फेसलेस तकनीक से कराई जाएगी श्री पटेल की उपस्थिति में एमओयू पर संचालक कृषि श्रीमती प्रीति मैथिल नायक और डाक विभाग के सहायक निदेशक श्री मनोज शुक्ला ने हस्ताक्षर किए श्री पटेल ने बताया कि डाक विभाग से किए गए एमओयू से किसानों को दुकानदारों द्वारा दी जाने वाली धोखाधड़ी से बचाया जा सकेगा आधुनिक फेसलेस तकनीक का उपयोग कर कृषि रसायनों और पौध संरक्षण औषधियों के नमूने एकत्रित एक कर पोस्ट ऑफिस द्वारा क्यू कोड प्रणाली का उपयोग कर प्रयोगशालाओं को भेजा जाएगा इससे यह पता लगाया जाना संभव नहीं होगा कि किस दुकान का सैंपल किस लैब में जांच के लिए भेजा गया है इससे पेस्टिसाइड की सैंपलिंग प्रक्रिया पारदर्शी होगी गहरी जुताई से लाभ हरीफ की स्वस्थ व अच्छी फसल लेने के लिए खेत की गहरी जुताई का अपना महत्व है इस कार्य के लिए यही उचित समय है गहरी जुताई का समय रबी फसल कटाई के तत्काल बाद से लेकर मई के अंत तक कर सकते हैं इस अवधि में जुताई करने पर 30 से 40 फीसदी तक फसलों की पैदावार बढ़ सकती है हर वर्ष गहरी जुताई की आवश्यकता नहीं होगी तीन वर्ष में एक बार गहरी जुताई अवश्य करनी चाहिए ग्रीष्मकाल में जुताई 15 सेंटीमीटर गहराई तक किसी भी मिट्टी पलटने वाले हल से करना चाहिए जुताई हमेशा खेत के ढलान के विपरीत दिशा में ढलान को काटते हुए करना चाहिए जिससे वर्षा का पानी व मिट्टी न बह सके मिट्टी के बड़े बड़े ढीले रहने चाहिए मिट्टी भुरभुरी ना हो पाए इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए ज्यादा रेतीले इलाकों में गर्मी की जुताई नहीं करना चाहिए गहरी जुताई के लिए एक विशेष यंत्र ट्रिपल मूल्ड प्लाउ का उपयोग करके खेतों की गहरी जुताई का कार्य किया जा सकता है गर्मी की जुताई से मिट्टी का निचला हिस्सा ऊपर आ जाता है जिससे मिट्टी में मौजूद कीट पतंगे मृदा की ऊपरी सतह पर आ जाते हैं और अप्रैल मई जून की तेज गर्मी एवं पक्षियों के द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं गहरी जुताई से खेत की जल ग्रहण क्षमता ज्यादा बढ़ जाती है और आइए बात करेंगे औषधीय पौधा सदाबहार की देश एवं प्रदेश में कई साधारण औषधीय पौधे इतने गुणकारी हैं कि बड़े एवं जानलेवा रोगों पर भी असरदार सिद्ध होते हैं ऐसा ही सदाबहार एक औषधीय पौधा है कहीं भी लगा हुआ देखा जा सकता है इसके औषधीय गुणों को कैंसर जैसे असाध्य रोगों पर भी उपयोग कर पाया गया है किसान इसकी खेती कर लाभ भी कमा सकते हैं यह एक वर्षा वाली साधारण मिट्टी में भी लगाए जा सकते हैं खेत में गोबर की खाद के साथ 100 किलो नीम खाद का उपयोग करें तो अच्छी पैदावार मिल सकती है इसकी नर्सरी अप्रैल में डालना चाहिए दो दशमलव पाँच किलो बीज की पौध एक हेक्टेयर खेत के लिए पर्याप्त होती है अच्छे अंकुरण के लिए बीज को 10 से 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें तथा रेत में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए 60 दिनों के रोपे को मुख्य खेत में इस प्रकार लगाएं कि कतार से कतार 40 सेंटीमीटर तथा पौध से पौध की दूरी 30 सेंटीमीटर हो 6 माह के पौधों में पत्तियों की तोड़ाई शुरू हो जाती है प्रत्येक तीन माह के अंतराल में पत्ते तोड़ें सदाबहार पौधों की जड़ों का उपयोग भी औषधि के लिए होता है परंतु यह एक वर्ष पुरानी होनी चाहिए और इसी के साथ किसान भाइयों खबरें खेती में इतना ही मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार तो किसान भाइयों ये खबरें खेती की आपने अभी देखी हैं और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का मुझे यानी कि विपिन यादव को दीजिए आज्ञा अगले अंक में फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए खुश रहिए नमस्कार